नमस्कार दोस्तों, आपको अपने टेक्निकल ब्रेक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास वीवो का T3 मॉडल 5G फ़ोन आ चुका है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है और इस फ़ोन की क्वालिटी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बॉक्स को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों एक मोबाइल मिलेगा जो कि यह है वीवो T3 और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये प्रीमियम लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि ये उठा हुआ है, लेकिन ये उठा हुआ नहीं है, क्रिस्टल है ये। ओके, और यहाँ पे देखिए ये पूरा इसी साइज का है। तो चलिए इसको खोलता हूँ, ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद इसको रखता हूँ साइड में और बॉक्स में बात करता हूँ क्या क्या है, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर आपको कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसे अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर केस मिलता है इस बॉक्स का, तो यहाँ पे इसको केस इसमें लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल कैसा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको दिखेगा। ओके, और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ मोबाइल की, भी बात करूँगा, उससे पहले बॉक्स में देख लेता हूँ। यहाँ पे आपको दोस्तों 44 वाट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिलेगा, चार्जर एडाप्टर, और यहाँ पे आपको टाइप ए टू टाइप सी का डाटा केबल है और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जिससे कि आप सिम निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं सिम निकाल के देखता हूँ। बैक कवर हटाओ भैया, यहाँ बैक कवर मिल जाते हैं, अच्छी बात हो जाती है। यहाँ से आप सिम निकाल सकते हैं, नीचे की तरफ आपको सिम मिलेगा निकालने के लिए। यहाँ से आप ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे आप आराम से सिम इसमें लगा सकते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सिम 1 और सिम 2 देख रहे हैं। और दोस्तों खास बात ये है कि यहाँ पे आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं अगर सिम एक यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा फीचर्स मिल जाता है इसमें हाइब्रिड मोड में। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ और आपको दोस्तों यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे टाइप सी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीकर, ऊपर माइक मिल जाएगा। और ये देखिए फ़ोन की मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम अप डाउन, पावर बटन, और पीछे बात करूँ कैमरा लेंस की तो यहाँ पे आपको 50 MP का आपको कैमरा मिल जाएगा और यहाँ पे 2 MP का ब्लरिंग मिल जाएगा यानी कि बोकी मोड। और यहाँ पे दोस्तों ये है आपका एंटी फ्लिकर कर लेंस जिससे कि आपका जो कैमरा ऑन होगा तो फ्लिकरिंग नहीं करेगा, तो ये एक अच्छा हो जाता है। ओके, और यहाँ पे फ्लैश लाइट है आप देख ही लिए। और ये रहा आपका ये फ़ोन। और बात करूँ डिस्प्ले की तो डिस्प्ले दोस्तों 6.67 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले मिलने वाली है फुल HD एमोलेड के साथ। और रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 120 हर्टेज है। और बात करूं अगर इसकी पीक ब्राइटनेस की तो ये 1800 निट्स जिससे कि आप धूप में भी आराम से डिस्प्ले को इजीली तरीके से देख सकते हैं। और ये एंड्रॉयड 14 के बेस पे आता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। 5000 mAh बैटरी भी है इसके अंदर। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट, सेटअप ऑफलाइन, कंटिन्यू, नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे जाना है, एक्सेप्ट, उसके बाद यहाँ पे बाद में ऐसे फिंगरप्रिंट ये सब लगाऊंगा, एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट, गेट स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा ये फ़ोन पूरी तरह से अनलॉक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर इससे जुड़ी और कोई जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। वाकई में दोस्तों फ़ोन काफ़ी हौला है और ये 5000 mAh बैटरी के साथ आती है तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे केस भी मिल जा रहा है और इसमें आपको SD कार्ड लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।